कोरोना के इस दौर में हर तरफ लोग मंदी की मार झेल रहे हैं, जिससे किसान भी अछूता नहीं है। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए डीएपी खाद पर 700 रुपए की सब्सिडी और बढ़ा दी है, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा और उन्हें 2400 रुपए के रेट वाली डीएपी खाद सरकार द्वारा मात्र 1200 रुपए में उपलब्ध होगी, जिसके लिए किसानों ने सरकार की सराहना की है और धन्यवाद भी किया है। हालांकि कुछ किसानों का कहना है कि किसान से जुड़ी और भी चीजें हैं, जैसे डीजल वगैरह, उनके भी रेट कम किए जाते तो किसानों को और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। डीएपी के रेट अचानक से बढ़ने पर किसान बड़ी दुविधा में था, चिंता में था और चाहता था कि किसी न किसी तरह से राहत मिले। सरकार ने उसी कीमत पर रखते हुए उसमें सब्सिडी देकर के लगभग पिछले साल वाले रेट पर डीएपी देने की एक अनाउंसमेंट की है। इसका किसान स्वागत करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये होता कि अगर सरकार इस आपदा की स्थिति में किसान, क्योंकि हर किसी के लिए फूड सिक्योरिटी है, रेट बिल्कुल ना बढ़ाती बल्कि और भी इनपुट्स में रेट बढ़े हैं उन पर भी सरकार निगरानी करे और हो सके तो उनकी भी कीमत घटाए, ताकि देश कम से कम फूड सिक्योरिटी से पिछले साल की तरह इस साल भी बच पाए। कम से कम जो एक नुकसान होने वाला था उसमें आंशिक ये लाभ ज़रूर हुआ है, लेकिन और चीज़ों की कीमतें जैसे डीजल की है, दवाइयों की है, अन्य इनपुट्स हैं, उनकी कीमतें बढ़ ही रही हैं लगातार। सरकार को चाहिए कि चाहे वो एक बड़ा मुद्दा ना हो, उस पर भी नियंत्रण करे। हाँ जी, बहुत बढ़िया किया सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया। जिम्मेदार को पहले हाल ही माल तो खराब थी जी, इसलिए जो रेट में कमी की है, बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद करते हैं, पूरा पूरा धन्यवाद। और एक डीजल बहुत महंगा मिल रहा है जी हमें। सर, इससे मैं सरकार का शुक्रगुजार ये कर रहा हूँ कि इन्होंने पहले तो जो रेट बढ़ाए थे अब दोबारा वही पुराने वाले रेट लागू कर दिए। इससे किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है और मैं यही आशा कर रहा हूँ कि किसानों को इसी तरह सब्सिडी मिलती रहे। अब जो रेट भारत सरकार ने जो बढ़ाए हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट स्तर पर मतलब फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया से डीएपी का निर्माण होता है, ये दोनों उत्पाद में पीछे महंगे हो गए। ये अपन भारत से मतलब भारत में इम्पोर्ट होते हैं, इस वजह से इनके रेट दोनों के बढ़ गए। लगभग मान लो बिक्री रेट 2400 रुपये आज नया रेट है डीएपी का, उस पर भारत सरकार ने पहले सब्सिडी 500 रुपये पर बैग दे रखी थी, अब उसको 700 रुपये और ऐड करके 2400 रुपये किया है। कहने का मतलब ये है कि कुल कीमत आज डीएपी के थैले की 2400 रुपये, उसमें अनुदान राशि 1200 रुपये और किसान से वसूल राशि है वो 1200 रुपये। पुराना रेट था ये 1700 रुपये था कुल कीमत, उसमें सब्सिडी थी 500 रुपये और किसान से वसूल राशि थी 1200 रुपये। तो कहने का मतलब नया पुराना रेट दोनों बराबर है किसान के लिए। आज 1200 पहले था 1200, अभी अब जो सप्लाई अगले सप्ताह आ जाएगी उसको 1200 में बेचा जाएगा। तीर्थ से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।